लोग शिकार करने आते हैं खुद शिकार बन जाते हैं। क्या है वही शेर? ये कोई माफिया या अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस। नमस्कार सोहम जी, मैं गौरव इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। वेलकम। थैंक यू गौरव, प्लेजर जी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज अ सीरीज कॉल्ड इंद्रधनुष के रंग, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट्स और आर्टिस्ट को इनवाइट करके उनके ओपिनियंस व्यूज अलग अलग टॉपिक्स पे पूछते हैं। सो ग्लैड यू कुड ज्वाइन अस टुडे फॉर द इंटरव्यू। या इट्स अ प्लेजर फॉर मी। या लुकिंग फॉरवर्ड। सेम हियर सर। सो सर, यू आर एन एक्लेम्ड डायरेक्टर, आपने काफी मेनस्ट्रीम सिनेमा में कंट्रीब्यूशन किया है, काफी इम्पोर्टेंट इंटेंस टॉपिक पे काम किया है, तो मैं आपसे पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ, इतनी इंटेंस चीजों में काम करने पे कितना सिरदर्द उठाना पड़ता है? आई नो यू आर रनिंग अ रिस्क, दैट्स अ सेपरेट थिंग, और कितनी वो गुस्सा आता है कि मन करता है कि सामने वाले को मेरा थोड़ा शांत कर दो, गोली और गालियों का खेल है ये। सो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट हैज बीन योर जर्नी। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ इस चीज को। मैं इसको किसी कभी सिरदर्दी के हिसाब से नहीं देखता, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक ही प्रोफेशन ऐसा होगा जो सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। अगर इसको आपको पैशन नहीं है, अगर आपको फिल्म मेकिंग का कीड़ा नहीं है, अगर आप सी ये चीज ऐसी है कि आप सालों साल तक सोचते हो कि मैं इस तरह की एक दिन फिल्म बनाऊंगा, आप बहुत महीने और साल लगाते हो इसकी राइटिंग में, तो जिस दिन आपको ये एक्चुअली शूट करने मिलता है, जिस दिन आप फ्लोर पे जाते हो, तो उस वक्त आपकी एक एनर्जी लेवल और आपकी सोच बहुत अलग होती है। तो सिरदर्दी एक तरह से है कि हाँ, लॉजिस्टिक्स इजी नहीं है, इसका प्री प्रोडक्शन स्टेज अलग है, शूटिंग का स्टेज अलग है, पोस्ट प्रोडक्शन अलग है, रिलीज अलग है, तो हर स्टेज पे चैलेंज बहुत ज्यादा है। सिरदर्दी भी होती है, लेकिन आप उसको किस तरह से लेते हो उसके ऊपर। वो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आपके पीछे 100 लोग 200 लोग का जो यूनिट है वो भी फ्रस्ट्रेट होगा। अगर आप अपना कूल लूज करते हो, आप चिल्लम चिल्ली करते हो, दैट हैपेंस ओनली इन वन पोजीशन व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप सेट पे परेशान होना शुरू हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, गुस्सा करोगे लोगों पे। तो अगर आपने काम सही किया है तो आपको उस पोजिशन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं, मिस्टेक्स करते हैं लोग, कुछ चीजें जो लैप्स हो जाती है, बट ये गेम ही पूरा अपना कूल रखने का है। आपको बिल्कुल वर्कड अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां डायरेक्टर वर्कड अप हो जाता है तो उसका एक चेन रिएक्शन है, हर आदमी नर्वस हो जाता है, हर आदमी सेट पे हिलने लगता है कि अरे यार डायरेक्टर परेशान है, डायरेक्टर गुस्से में है, एंड एवरीबॉडी लूजेस देयर फोकस एंड दे वोंट बी एबल टू डिलीवर अ गुड जॉब। सो दिस गेम इज अबाउट यू नो टेकिंग इट इजी, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिस्टिक्स के सेट पे कितनी चीजें हो सकती है जो गलत जा सकती है। आई वुड से आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हर रोज कोई नई चीज गलत होने वाली है। बट यू कांट टेक इट, सिरदर्दी का माहौल ना आपके ऊपर आना चाहिए ना दूसरों के ऊपर आना चाहिए। इट शुड बी एंड ऑफ द डे एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक दिन की शूटिंग नहीं है, आप 40 दिन से लेकर 100 दिन की शूटिंग कर रहे हो, तो इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर। तो आपको वो कंटिन्यूसली एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मेंटेन करना वो आपके हाथ में। तो आई थिंक दीज आर द वेज टू लुक एट इट। एब्सोल्युटली सर, थोड़े से छोटे फॉर्म में ही सही, पर हम जब अपने प्लेज बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वी कैन टोटली रिलेट टू इट। देयर आर ओकेजंस व्हेन वी आल्सो काइंड ऑफ गो डाउन हेवीली ऑन द एक्टर्स और द क्रू एंड देन थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग इवन मोर। आई एग्री विद यू, बिल्कुल होता है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन मेरा इज मोर अबाउट यू नो हाउ डू यू गेट इनटू द दैट पार्ट और मेथोडोलॉजी वेयर यू हेल्प एक्टर्स क्योंकि ज्यादातर तो मेरे जो स्क्रीन प्ले होते हैं, मैं यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्क्रीन प्ले डिटेल्ड हो, चाहे वो आर्ट डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे वो एक्टर के लिए हो,
चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, क्योंकि जितनी क्लैरिटी से पहला मतलब आपका जो ड्राफ्ट आपने दिया है एक एक्टर को पढ़ने के लिए, अगर उस ड्राफ्ट में ही उतनी डिटेलिंग हो तो ज्यादातर एक्टर उसको सिंक कर पाएगा कि हाँ ये मेरे एक्टिंग का सुर है, ये डायरेक्टर या राइटर ने जो सोचा है वो इस तरह का किरदार है, और उसकी पूरी वो एक एक्टर की जो परफॉर्मेंस की लेवल है उस स्क्रिप्ट में सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस की स्किल या जो टोन कहते हैं हम, जो हाई हाई लो कहते हैं हम, वो सारी चीजें आपकी स्क्रिप्ट लेवल पे सोची जाना बहुत जरूरी है, ताकि एक एक्टर जब पढ़ता है तो वो अपने आप को ऑलरेडी समझ पाए कि ये किस तरह का कैरेक्टर है और मैं कितना लाउड हूँ इसमें, या मैं कितना सटल हूँ, या मुझे कितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस करना है। वो सब जो जॉनर ऑफ द फिल्म है उसके हिसाब से, फिल्म हो या वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, जो रिटन मटेरियल है उसी लेवल पे आपको सोचना है, क्योंकि उस सोच के हिसाब से आपने एक चाहे वो एग्जैक्ट एक्टर नहीं पर एक बॉल पार्क फिगर आपने सोचा है कि मतलब ऑब्वियसली हर मटेरियल के प्ले हो, वेब सीरीज हो, सीरियल हो या फिल्म हो, मान लीजिए कि एक बुजुर्ग आदमी है जो 70 ईयर ओल्ड है, तो हो सकता है कि रोल इतना पावरफुल है कि आपने एक अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर उस तरह की छवि को लेकर लिखा है, और आपको फिर वो एक्टर भी उसी एज ग्रुप में उस तरह का चाहिए जो लंबा चौड़ा हो, आवाज उसकी भारी हो, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक रेफरेंस कैरेक्टर है कि अगर अमिताभ बच्चन ये रोल को करते तो कैसे करते, और फिर आप उस तरह का एक किरदार ढूंढते हो जो उसी टक्कर में उस पर्सनैलिटी के साथ आपको मिले। सो कहने का मतलब यह है कि राइटिंग स्टेज से ही डिपेंड होता है कि आप एक्टर के साथ कितना किस लेवल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, प्लस एक बार जब आप ऑडिशन करते हो या बिना ऑडिशन भी कभी कभी आप मिलते हो एक्टर को और आपने सोचा है कि ये एक्टर मेरा ये किरदार करेगा, तो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में वो बहुत ही सिंक होना जरूरी है कि आप उस कलाकार को, इस कैरेक्टर को और फिल्म को जिस तरह से देखते हो वो एक्टर भी वही अडेप्ट करे। और ज्यादा तौर पे ये प्रोसेस ऐसा होता है कि मान लीजिए जिस दिन आप शूटिंग करते हो उस एक्टर के साथ, ऑफ कोर्स उसका मेकअप, उसका कॉस्ट्यूम, ये सारी चीजें उसको उस तरह का एक फ्लेवर पकड़ने में बहुत हेल्प करती है कि किस तरह का कैरेक्टर। लेकिन ज्यादा तौर पे ऐसा होता है कि एक्टर कभी कभी ये सोच के आता है कि मैं इस सीन को इस टोन से निभाऊंगा, इस तरह से उसको डायलॉग डिलीवर करूंगा, और वो फर्स्ट टेक में डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि ये उसकी सोच के कितने ऊपर या नीचे है। सो फिर एज ए डायरेक्टर हम इमीडिएटली कम्युनिकेट कर लेते हैं कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर या इस तरह की डायलॉग डिलीवरी नहीं चाहिए या चाहिए, और वो एक्टर भी इमीडिएटली 2 या 3 वेरिएशन दे पाता है कि मैं इतना लाउड करूं या जैसे वो लोग माइंड नहीं करते कभी अगर बार बार रीटेक करना पड़े, सपोज यू आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ शॉट यू वांट, तो नहीं। कभी ऐसा होता है? सी आई बिलीव दैट हर डायरेक्टर का एक काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। ज्यादातर मैं ये मानता हूँ, मैंने मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अगर बड़े कलाकार हो, अजय देवगन, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सीनियर, या एकदम नए कलाकार हो जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया है, ज्यादातर एक्टर का जो एक मैकेनिज्म होता है काम करने का, आपको उसको सेकेंड थर्ड या मैक्सिमम फोर्थ टेक में आपको उससे काम निकलवा लेना है। अगर अगर एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है तो उसका एक्टर का पहले खुद का टैलेंट है, लेकिन उसको गाइड करना डायरेक्टर का काम है, और अगर उसने बहुत बुरी एक्टिंग की है तो हो सकता है वो एक्टर बुरा है लेकिन उससे बेटर काम निकालना भी एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। सो हमारे यहाँ बहुत इजी है टू टाइप कास्ट एन एक्टर और टू जज एन एक्टर के उसने अच्छा किया है बुरा किया है, नहीं, उसको मौका दे मिलना चाहिए। और डायरेक्टर को देखिए, हमारी लाइन में बहुत सिंपल है, अगर पिक्चर हिट होती है, वेब सीरीज हिट होती है, कुछ भी मीडियम हिट होता है, इट हैज टू बी अ टीम वर्क। वो 100 लोग का क्रेडिट है, वो राइटर, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर, सबको क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन अगर एक चीज फ्लॉप है या बुरी है तो उसका पूरा क्रेडिट डायरेक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कैप्टन ऑफ द शिप वो है। तो ये इस तरह से इसको मैं मतलब डाइफोकेट करूंगा। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक एंड सी समवेयर इट्स अ कलेक्टिव ओनरशिप, आपकी चीज किसी और से जुड़ी है, एक्टर की जुड़ी है डायरेक्टर से, डायरेक्टर से जुड़ी है राइटर से, राइटर की शायद जुड़ी है जो उन्होंने प्रोडक्शन टीम में पूरा सेटअप तैयार कर दिया है, सो इट्स अ कलेक्टिव ओनरशिप, आई डू अग्री विद यू।
ऑल द व्यूअर्स जो ये वीडियो देखें वो इस चीज को समझे कि हाउ टीम वर्क हैज टू कम आउट एट द फ्रंट. ओके, मेरा अगला क्वेश्चन एक ऐसे एरिया के बारे में है जो बहुत ही इग्नोर्ड रहता है. तो फिल्म हो या थिएटर, बिना प्रोडक्शन के या बैक स्टेज टीम के, यू नो इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट दैट होल पीस, दैट क्रिएटिव पीस. तो आपको क्या लगता है, पीपल हु गो इन टू दिस स्पेस, प्रोडक्शन या बैक स्टेज, वॉट काइंड ऑफ वैल्यू दे शुड लुक? See, I'll tell you, ये एक बहुत वाइड एरिया है. ये चाहे प्ले का बैक स्टेज हो, ये चाहे फिल्म मेकिंग का बैक स्टेज हो, जैसे प्री प्रोडक्शन हो, सेट पे मान लो के कैमरा है, एक्टर्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग बहुत पीछे खड़े रह के भी भाग दौड़ कर रहे हैं. वो चाहे प्रोडक्शन का छोटे से छोटा काम क्यों ना कर रहे हो, अप्रेंटिस हो, असिस्टेंट है जो पहली बार एक बार कोशिश करना चाहते हैं, यार मुझे फिल्म सेट पे काम करना है या मुझे प्ले के सेट पे काम करना है. देखिए, ये एक्चुअली शुरुआत इसी सेट पे से होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत यंग लड़के और लड़कियां, चाहे वो 18, 19, 20 साल के हो या ऐसे भी, मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा स्ट्रगलर, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं 8-8 साल से, 6-6 साल से, लेकिन उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते. पर ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी नींव बनाता है, ये आपके पिलर है, ये एक्सपीरियंसेस आपको डिसाइड करने पर मजबूर करता है कि वन, या तो आप इस इंडस्ट्री में फिट होते हो या नहीं, टू के अगर आप फिट होते हो तो आपको खुद को अपनी जगह ढूंढनी है. तो दौर है, मतलब पूरा एक टाइम फ्रेम है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि मुझे बनना एक्टर है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यार मैं डायरेक्शन में असिस्ट करके देखता हूँ. कुछ लोग सोचते हैं मैं डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन सेट पे होते होते उनको समझ में आता है कि यार मुझे तो एक्टर बनना है. या ये जो एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस आपको एक्चुअली अपनी गली देगा कि व्हाट वुड यू बी गुड एट. आप सोच के आए थे कि मैं एक्टर बनूंगा, बट यू माइट डेवलप अ स्किल कि नहीं यार मुझे मुझे मेरे में राइटिंग स्किल है, मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ, मैं क्यों ना मैं लिख के देखूं. या आपको समझ में आएगा कि यार ये सारे जो मॉड्यूल्स जो सब हो रहे उसमें मुझे मेरा रस बढ़ रहा है कॉस्ट्यूम की तरफ, मुझे कॉस्ट्यूम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट बन सकता हूँ. तो ये एक्सपीरियंसेस आपको वो पूरा का पूरा आपका माइंड फ्रेम चेंज कर सकती है कि व्हाट टेक्निकल डिपार्टमेंट यू मे बी गुड एट. तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है हर आदमी को, चाहे वो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से सीख के आए, लंदन स्कूल ऑफ यू नो ड्रामा से सीख के आए, उसको ऑन सेट या बिहाइंड द स्टेज काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाके उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होगी. एब्सोल्युटली, अगर आप देखिए तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, पीपल स्टार्ट एज इंटर्न्स और एज अप्रेंटिस. दैट्स व्हाई ये रखा गया था लेयर व्हिच इज योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज. सो आई एग्री, पीपल हैव टू लुक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट लुक डाउन ऑन दिस. ओके, अब मैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहूंगा. मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत रिजिड माइंड से आते हैं कि मैं एक्टर ही बनूंगा या मैं डायरेक्टर ही बनूंगा, लेकिन कुछ कभी कभी चीजें आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि आप वो कर पाओ. तो मैं सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको बहुत ही ओपन रहना, आपको हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस बहुत मजे से लेना चाहिए, ताकि कल अगर आपको उन किसी डिपार्टमेंट से भी करियर की शुरुआत करनी पड़े तो यू शुड बी रेडी फॉर इट. दैट्स इट. सर, एक काउंटर व्यू, चूंकि आपने ये बात बोली, काउंटर व्यू ये भी है कि मे बी यू शुड नॉट लूज द फोकस. अगर आपको मान लीजिए एक्टर ही बनना है तो यू शुड नॉट डाइग्रेस, मतलब ऐसा कुछ क्या नहीं है. नहीं, मेरा कहना ये है कि हमारी इंडस्ट्री में सरवाइव होना सबसे बड़ा पॉइंट है. देखिए, अगर आप टाइम लिमिट है आपके पास, एज वाइज, फाइनेंस वाइज, स्ट्रगल वाइज, कि आप 6 महीना, 2 साल, 3 साल से ऊपर नहीं दे पाएंगे इस इंडस्ट्री को, पर कभी कभी 5 साल लगते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जिनको 10 साल लगते हैं. तो देखिए, फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज है कि मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे हमारे एक्टर है जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है एज अ टैलेंट, लेकिन उनको सक्सेस किस एज में मिला है. इरफान खान साहब ने कितने साल टीवी किया था लेकिन लोग उनको जानते भी नहीं थे. उनको मतलब एक्चुअल रिकग्निशन और सक्सेस मिलते मिलते 40, 42, 45 की एज इन एक्टरों को हो चुकी थी. तो तब तक आप सरवाइव भी तो आपको करना है,
अगर आप राइटर बन के सरवाइव कर लेते हो, अभी हमारे एग्जाम्पल है अभिषेक बैनर्जी जो कास्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन इस वक्त वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में, मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार, मतलब वो रोल निभा रहे। तो एक तरफ जहां वो अपने आप को बिजी रख सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं बाय कास्टिंग डायरेक्टर, एंड एक तरफ वो एक्टिंग की अपनी मतलब उनका जो एक ड्रीम होगा वो भी इस वक्त सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो आइडिया इज टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड सर्वाइव। थैंक यू सर, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आई एग्री विद दैट। सर मैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और पहला ऑडियंस क्वेश्चन भेजा है सैंटी ने, एंड हर क्वेश्चन है मैं संतोष, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सेट पे होते हैं तो बहुत अलग एनर्जी और अलग डेडिकेशन के लोगों के साथ काम करते हैं, तो एज अ डायरेक्टर इन सब के बीच एक ट्यूनिंग और सिनर्जी कैसे बनाते हैं? हाय सैंटी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टर का काम एक्चुअली क्या है, वो एक साइकोलॉजिस्ट जैसा काम है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के कम्युनिकेशन का काम। डायरेक्टर जितनी हद तक कम्यूट अच्छी तरह करेगा अपने टेक्नीशियंस के साथ, अपने लोगों के साथ, आपको रिस्पॉन्स में उसी तरह का फीडबैक मिलेगा, उसी तरह का काम मिलेगा। सो आपका क्वेश्चन को फोकस करते हुए मैं ये कहूंगा कि आपकी सोच एकदम करेक्ट है। सेट पे 150-200 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं। एक डायरेक्टर के लिए या एक राइटर के लिए ये एक ड्रीम होता है कि मैंने जो लिखा है वो किस तरह से वो पेश किया जाए, और वो मैं बहुत अच्छी तरह करूंगा। तो पैशन जो है, पैशन वो डायरेक्टर का है, राइटर का एक हद तक है। बाकी लोगों के लिए ज्यादातर हो सकता है ये सिर्फ एक प्रोफेशनल काम है, जिनको एक प्रोजेक्ट मिला है, जिनको उसके पैसे मिलेंगे, और उनको सिर्फ उनको लगाव शायद ना हो प्रोजेक्ट से कि यार मुझे ये काम सौंपा गया, मुझे तो पैसे मिल रहे, मुझे कॉस्ट्यूम देने, मुझे पैसे मिल रहे मैं जाके शूट कर लूंगा, मुझे पैसे मिल रहे मुझे तो सेट लगाना है। तो दे माइट नॉट बी इमोशनली और क्रिएटिवली दैट फोकस्ड और इन्वेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। सो विच इज वेयर यू नीड टू शो देम दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन वेयर दे ऑल्सो कंसिडर दिस प्रोजेक्ट एज गुड एज दैट, राइट? दे गिव देयर नॉट 100% बट 200%। सो आई वुड से दैट देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला, बट ईच डायरेक्टर द वे ही डील्स विद द टेक्नीशियंस, और एक स्क्रिप्ट में कितना दम है, उस स्क्रिप्ट के साथ आप कितनी ऑनेस्टी से डिलीवर करना चाहते हैं, बाकी टेक्नीशियंस की एनर्जी आपके साथ उस लेवल पे जुड़ेगी। अगर एक स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि ये दिल्ली बेस्ड फिल्म है और उसकी शूटिंग दिल्ली में होने वाली है, अगर उस टेक्नीशियन को उसने कहा है कि मुझे 10 रुपए चाहिए, अगर आपने उसका रिस्पेक्ट रख के उसको 9.5-10 रुपए दिए हैं, या कभी ये भी होता है कि मतलब आप लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं लोगों को, अगर कोई आर्ट डायरेक्टर है जिसने बोला मुझे 10 रुपए चाहिए और आपने बोला यार आप 6 रुपए में करो, और जस्ट बिकॉज उस बेचारे को काम की जरूरत है वो 6 रुपए में मान भी गया है, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो आई थिंक यू नीड टू रिस्पेक्ट, द वन लाइन इज रिस्पेक्ट योर पीपल, रिस्पेक्ट योर टेक्नीशियंस। फिल्म मेकिंग डायरेक्टर अकेला नहीं कर सकता है, कैमरामैन फिल्म शूट कर लेगा, लेकिन वो कैसे करनी है, मूड क्या देना है, किस स्पीड से करना है, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, सिनेमेटोग्राफर, एक्शन डायरेक्टर, हर टेक्नीशियन जो आपके क्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने हायर किया है, वो आ रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए, वो आपकी टीम है। और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो है कि आपको वो एनर्जी लेवल सबकी एक बराबर तब मिलेगी जब आप उनको रिस्पेक्ट करोगे। हर आदमी को रिस्पेक्ट से काम करना है, तब वो आपको बेस्ट ऑफ अपनी कैपेबिलिटी देगा। आई थिंक दैट्स द नहीं, बेस्ट वे टू पुट इट। आई थिंक बात आपकी सही है, मतलब somehow मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि वी ऑल आर इनटू क्रिएटिव फील्ड, बट व्हाई डोंट वी स्टिल लुक एट ईच अदर विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड हैव ओपन हार्ट फॉर अप्रिसिएशन। मैंने देखा इंस्टेड पीपल आर मोर प्रोन टू क्रिटिसिज्म, मोर प्रोन टू यू नो समहाउ डिमीन पीपल, विच इज अ वेरी सैड थिंग कि क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। देखिए पीपल मुझे, थिंक थिंग्स आर वर्किंग आउट बिकॉज ऑफ मी, एंड अगेन गोइंग बैक टू योर अर्लियर पॉइंट, इट्स अ टीम वर्क। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कि ये फील्ड इतना डिफिकल्ट है कि एक डायरेक्टर को भी, यूजुअली हम डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बात कर रहे हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, या मैंने देखा है दूसरे, मैंने काफी डायरेक्टर्स के काम ऑब्जर्व किए, किस तरह काम करते हैं क्या नहीं,
देखिए क्या है कि इसमें आपको मौका मिलते मिलते कहीं साल लगते हैं, और उस साल की जो जर्नी है उस जर्नी में आपको बहुत लोगों ने रिडिक्यूल किया होता है, आपको बहुत लोगों ने नीचा दिखाया होता है। तो जब एक डायरेक्टर फाइनली जब एक फिल्म बनाता है या वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने सारे फ्रस्ट्रेशन इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से शायद निकालना शुरू करता है। उसको लगता है कि अब मैं उस कुर्सी पे बैठ गया हूँ कि अब मैं वो सारे सालों के जितने भी फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह निकाल पाऊंगा। जैसे यार नए लोग को परेशान करते हैं, डायरेक्टर खुद मतलब समय नहीं देगा प्रोजेक्ट को लेकिन वो टेक्नीशियन को गालियां देगा, एक तरह का शायद कभी कभी एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि अब मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ और मैं इस तरह से अपने टेक्नीशियंस को दबाऊंगा। इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, दैट्स नॉट द वे टू वर्क। सो हाँ, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कुछ देखिए, अगर आप खुद टैलेंटेड नहीं हो, अगर खुद आप इनसिक्योर हो कि यार ये काम मेरे से ज्यादा ये बेटर कर रहा है, तो वो छुपाने के लिए भी डायरेक्टर्स जो है वो पूरी क्रेडिट खुद पे लेते हैं। बॉस मतलब एंड ऑफ द डे आप एक विजन दे सकते हो एक आर्ट डायरेक्टर को या कैमरामैन को, लेकिन वो क्राफ्ट तो उसका ही है, तो उसकी पूरी क्रेडिट वहीं जा सकती है। आप टाइटल्स में आर्ट डिपार्टमेंट का भी क्रेडिट लेना चाहते हो, आप मतलब सिनेमेटोग्राफर में भी अपना नाम देना चाहते हो। कभी कभी देखिए म्यूजिक बनाना, गाना बनाना एक ऐसा क्राफ्ट है कि मतलब सिचुएशन या धुन, या मैं रेफरेंस दे सकता हूँ म्यूजिशियन को कि मुझे इस तरह का गाना चाहिए, मुझे जो लिरिक्स है उसमें इस तरह के बोल चाहिए, मतलब इस तरह की बातें चाहिए, लेकिन जो लिरिक्स राइटर है उसने गाना लिखा है, चाहे आपने 80% इनपुट दिया हो गाना लिखा उसने है, म्यूजिक चाहे आपने 60% रेफरेंस दे दिया हो पर वो क्रिएट म्यूजिशियंस ने किया है, तो उसकी क्रेडिट आपको 100% उनको देनी पड़ेगी। ना कि कल सलीम सुलेमान साहब ने एक मेरे लिए गाना बनाया और उसमें मैंने डाल दिया सलीम सुलेमान एंड सोहम, मतलब एक होता ना लोगों को हर चीज की क्रेडिट लेनी है, वो एक सोच है हमारी इंडस्ट्री में जो ज्यादातर इनसिक्योर और नॉन टैलेंटेड लोग ज्यादा भूखे होते हैं उसकी। बिल्कुल अक्सर होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रेडिट बांटने से घटता नहीं है किसी का। क्रेडिट एक ऐसी चीज है लाइक अ कैंडल लाइट, आप जितना शेयर करेंगे उतने शेयर होगी। देखिए हमारी इंडस्ट्री में लोग पैसों के लिए सेकेंड इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे लेट गो करने को रेडी होते हैं, लेकिन इंसान के लिए क्रेडिट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंडस्ट्री नाम पे चलती है, काम पे चलती है, और पैसे तो मतलब बाय प्रोडक्ट है, सबको चाहिए और वो हक के पैसे मिलने चाहिए, पर पहले आदमी क्रेडिट बनाने के लिए काम करता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यस और आपने एक म्यूजिक की बात की तो मस्त है कि काल मैंने आपसे थोड़े कुछ समय पहले जिक्र किया था, आई रियली लाइक द म्यूजिक ऑफ काल एंड स्टिल व्हेनेवर आई हियर दोस बीट्स जो काल काल में हम तुम करें धमाल एंड इनफैक्ट उसके कई सारे सॉन्ग्स थे, आई थिंक इट वाज अहेड ऑफ द एज इन बीट्स इन द होल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ होल इम्पैक्ट, बहुत पसंद आए थे मुझे। जी वो एब्सोल्युटली, क्योंकि सलीम सुलेमान जी की वो पहली पिक्चर थी और शब्बीर अहमद जो लिरिक्स राइटर थे उनकी भी पहली पिक्चर थी, तो हम पूरी टीम जो थी वो फर्स्ट टाइम एक फिल्म बना रहे थे, और वो एनर्जी बहुत अलग लेवल की होती है वहाँ, हर आदमी अपना मतलब जी जान लगा देता है, तो इसलिए रिजल्ट अच्छा आया। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया सर, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई है वैसे म्यूजिक के लिए। एंड काल वाज वन ऑफ द मेमोरेबल पिक्चर्स इन टर्म्स ऑफ द होल, मुझे नहीं लगता है कि मैंने जंगल के सेटअप में कोई मूवी देखी है, मैंने कुछ वेब सीरीज देखी है, कुछ शायद कुछ हॉरर रिपोर्ट्स देखे हैं, बट एक फुल फेवरेट मूवी जो कि एक नेशनल पार्क में शूट हुई हो, आई एम नॉट श्योर मे बी, बट मुझे लगता है कि नहीं, उस लेवल की बनी है हाँ नहीं, आज कार्बन। तक कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले मेरे ख्याल से 60-70 इयर्स में ये पहली पिक्चर थी जिसको परमिशन दी गई। मतलब टेक्निकली वो परमिशन देते भी नहीं है, तो उनको कैसे कन्विंस किया, उनको किस तरह से मतलब हमने कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम कोई भी रूल्स तोड़े बगैर किस तरह इसमें शूटिंग कर पाएंगे और करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट को हम थैंकफुल थे जो वो समझ पाए और हमें वो मौका दिया उन्होंने। आप लोग थे शूटिंग के बाद वापस पार्क के बाहर की वहीं पे सेटअप था रहने का। हाँ मतलब बेसिकली हम शूटिंग डिवाइड कर दी थी हमने दो हिस्सों में, एक जो कोर जोन होता है उस कोर जोन में जो भी शूटिंग हुई थी वो हमने सारी शूटिंग बिना जीप और जिप्सी के ऊपर से उतरे बिगर शूटिंग की थी, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग मॉड्यूल था उस टाइम में,
जब टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली लिमिटेड थी आज के कंपैरिजन में, बट वी मैनेज टू शूट विदाउट स्टेपिंग डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉर्बेट पार्क. तो कुछ एरियाज ऐसे थे और कुछ जो नॉन कोर एरियाज थे वहां, मतलब जहाँ टाइगर का या कुछ वाइल्ड एनिमल्स का थोड़ा सा डर कम था, तो वैसी जगहों पे हमने, मतलब फिर भी हमने बहुत ही कम यूनिट के साथ शूटिंग की. अगला क्वेश्चन हिमांशु का है. दिस क्वेश्चन समथिंग यूनिक. हेलो, मेरा सवाल है कि एक थिएटर डायरेक्टर से एक फिल्म डायरेक्टर में अगर ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिसका एक डायरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए? हिमांशु भाई, आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा कि देखिए, कहने के लिए बहुत आसान है कि प्ले है, वेब सीरीज है, टीवी सीरियल है या फिल्म है. यार है तो सब फिल्म मेकिंग ही है, तो सब स्टोरी टेलिंग ही. मेरा मानना यह है कि देखिए, आपका जो ऑडियंस है वो ऑडियंस इन मीडियम्स से अलग चीज एक्सपेक्ट करता है. जब एक प्ले देखने जाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि प्ले में यही होगा, जैसे कि सेट्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे, फिर भी बहुत अच्छा मैनेज करते हैं प्लेज में, सेटअप्स कैसे चेंज होते हैं, कॉस्ट्यूम लिमिटेड होंगे, एक्टर्स मिनिमम होंगे, क्योंकि प्ले का बजट होता है, टाइम फ्रेम होती है, 1.5-2 घंटे में आपके सामने लाइव ये करना है. तो वो उस माइंड फ्रेम से जाता है कि प्ले में ये होगा. सीरियल का अलग सोच होता है, बड़े पर्दे की फिल्म पे वो अलग एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करता है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट हर मीडियम के लिए डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग और विजन चेंज होना बहुत जरूरी है. वो विजन सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसे अलग दे रहे लोग, उसका बजट अलग है और उसका माइंड फ्रेम देखने का अलग है. तो वो पैसा वसूल हो इसलिए वो विजन देना बहुत जरूरी है. चाहे आप एक बहुत ही टाइट थ्रिलर प्ले के लिए लिखो, लेकिन जब वो थ्रिलर आप बड़े पर्दे पे लेके आओगे तो उसकी सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी. जैसे आप प्ले में मान लो फ्लैशबैक सिर्फ बोल के बता दोगे, फ्लैशबैक आप कुछ चंद डायलॉग्स में या किसी फ्लैशेस की ट्रीटमेंट में प्ले में दोगे, लेकिन आपके पास जब फिल्म बना रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्लैशबैक आप पूरी तरह फिल्म करके दर्शक को दिखाए. तो ये जो विजुअल चेंजेस है ये अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको विजन डिफरेंट देना चाहिए. तो ये एक ट्रांजिशन जर्नी जरूर है. और अगर आपने बैक स्टेज काम किया है इन प्लेस, तो आप राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, लेकिन फिल्म कैसे बनती है उसके लिए आपको फिल्म के बैक स्टेज में भी एक एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी टेक्निकलिटीज अलग है. और जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, जब आप प्ले बना रहे हो तब कैमराज नहीं है, तब आपके मतलब यू आर नॉट टेक्निकली शूटिंग द प्ले, यू आर परफॉर्मिंग. द एक्टर्स हैव टू राइट द गेम, एक्टर्स की एनर्जी लेवल से 2 घंटा आप होल्ड करोगे. बट फिल्म में बहुत और चीजें हैं जिससे आप उसको चेंज कर पाओगे, और उसकी टेक्निकलिटीज को आपको अपने बेस्ट फोटो में यूज करना है. तो काफी फर्क. आई थिंक व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम वन मीडियम ऑफ थिएटर टू फिल्म, मे बी यू नीड टू रीस्टार्ट योर जर्नी टू सम एक्सटेंट, मे बी एक्सेलरेटेड जर्नी, पर वो प्रोसेस का भी जानना पूरा जरूरी है. बिल्कुल. ओके सर, अगला क्वेश्चन वर्चिता का है. हाय सुमन, मैं वर्चिता गुजरात से. आपकी मूवीज मोस्टली थ्रिलर होती है, व्हिच इज वेरी एंगेजिंग, पर कोई खास वजह इस जॉनर को सिलेक्ट करने? हाय वर्चिता, केम छो, मजा मा. सो बेसिकली देखिए, मैं इसको ऐसे पुट अप करूंगा कि जब मैंने शुरुआत की और मैं जब भी मैंने कभी खुशी कभी गम जैसी बहुत ह्यूज बजट फिल्म पे असिस्ट किया करण जौहर जी को, और मैंने ये देखा कि ये इतने बजट बड़े बजट की फिल्म है, ये फैमिली फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, सारी चीजें है. मुझे देखने के लिए ये चीजें बहुत ही मजा आता था, अट्रैक्ट करती थी. लेकिन मुझे ऐसा एक पॉइंट पे ये लगा था कि इतनी बड़ी फिल्म या इतने बड़े ये फिल्में, आपको बड़े स्टार्स है इसलिए मजा आ रहा है, सॉन्ग्स बड़े हैं, सारी चीजें उस लेवल की है, तो वो एंटरटेनमेंट अलग है. जब मैं फिल्म बनाऊंगा, पहली बात, मेरे पिताजी यश जौहर नहीं है, मेरे पिताजी यश चोपड़ा नहीं है, मेरे पिताजी इस लाइन से नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म बनाने का मौका ना मिले. तो मैंने टेक्निकली ये सोचा कि मुझे शुरुआत करनी है लो बजट फिल्म से,
और लो बजट फिल्म जब भी आपको बनानी है तो उसमें हॉरर और थ्रिलर ये दो ही जॉनर है जो लो बजट में अच्छी तरह फिट हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे चीजों के लिए आपको कॉस्ट्यूम चाहिए, कलर चाहिए, ड्रामा चाहिए, आउटडोर लोकेशन चाहिए, खर्चा ज्यादा होता है। तो ये थी मेरी प्रैक्टिकल सोच, नंबर वन। नंबर टू, जब मैंने राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम किया भूत फिल्म पे, तो मैं मतलब उस आदमी का फैन हो गया था। और वो आदमी के पास जो टेक्निक थी काम करने की, वो मतलब इंडिया में कोई डायरेक्टर नहीं है जो इतना इंटेलिजेंट है और इतनी अच्छी फिल्म मेकिंग जानता है। तो उसके साथ ऑब्वियसली रह के मुझे काफी चीजें सीखने मिली कि एक लो बजट में कैसे एक फिल्म बनाई जाती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग किस तरह से होनी चाहिए थोड़ा बहुत उसका मेरे को ऑब्वियसली नॉलेज हुआ। तो क्या हुआ कि उस दौर में जब एक्चुअली मैं यंग था और मैं फिल्मों को सीखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे थ्रिलर्स ज्यादा पसंद आने लगे, क्योंकि थ्रिलर फिल्म्स में कुछ ऐसा करने का मौका था जो पहले नहीं हुआ है। जैसे काल अगर मैं रोमांटिक बनाऊं, काल अगर मैं गानों के साथ बनाऊं, तो उससे वाहियात फिल्म बन नहीं सकती। लेकिन काल फिल्म में मैं जो कहना चाहता था, वाइल्ड लाइफ का कुछ मैं कहना चाहता था, ऐसे लोकेशन में कुछ मैं दिखाना चाहता था कि टाइगर्स को सेव करो या वाइल्ड लाइफ को सेव करो, ये स्टोरी मैं जब थ्रिलर फॉर्मेट में ढालता हूँ तो मैं ऑडियंस को ज्यादा एंगेज कर पाता हूँ। तो मैंने जी, आप पर्सनली भी वैसे बचपन से थ्रिलर मूवी से ज्यादा देखते आ रहे हैं या फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं, है? नॉट नेसेसरी, नहीं, ऑनेस्टली एज अ ऑडियंस मैं कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ, फैमिली फिल्म्स, मतलब मेरे लिए कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है जो मैं पसंद नहीं करता। देखना मैं सब पसंद करता हूँ, लेकिन एक होता है कि नेचुरली आपको क्या एक आता है, मतलब मैंने ऐसी कुछ कॉमेडीज भी लिखी हुई है और मैं कॉमेडी फिल्म भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारी फिल्म में क्या है, आपको पहले आपने क्या बनाया है उसी से ज्यादा पुश करती है कि यार ये थ्रिलर में अच्छा है, ये एक्शन में अच्छा है, ये हॉरर में अच्छा है। तो मुझे एक जब एक कॉमेडी बनानी होगी तो दैट इज अगेन अ बिग स्ट्रगल टू ब्रेक दैट मोल्ड कि यार मैं लाइट फिल्म में भी अच्छी बना पाऊंगा या मैं कॉमेडी भी बना पाऊंगा, लेकिन टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ब्रेक दैट मोल्ड व्हिच इज नॉट इजी। आई थिंक अनुभव सिन्हा जी ने इस मोड को बहुत अच्छे से ब्रेक किया, क्योंकि 100% बिल्कुल शुरुआत जो बहुत ही इमोशनली और हार्ट टचिंग होती थी, अब जो वो जॉनर चूज कर रहे हैं बड़ी सोशल इश्यूज और बिल्कुल बिल्कुल इश्यूज, तो आई थिंक एक मोड उन्होंने अच्छा कवर किया, नहीं यस मुझे ऐसा यस एब्सोल्युटली उन्होंने बहुत अच्छी तरह ब्रेक किया है। और वो मतलब अभी उनको अपना शायद जॉनर फ्लेवर जो भी है वो ग्रिप उनके जो वो करना चाहते थे वो मिल चुकी है, तो वो बहुत अच्छी बिल्कुल फिल्म वो अच्छी बिल्कुल। ओके सर, अगला क्वेश्चन प्रतीक का है। हाय सोहम, माय नेम इज प्रतीक, और मेरा सवाल आपसे यह है कि एक डायरेक्टर के पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू चेंज द स्क्रिप्ट? आई मीन, डज इट डिपेंड इफ वेदर योर फिल्म इज अ मेन स्ट्रीम फिल्म और इट्स अ आर्ट हाउस सिनेमा? थैंक यू। हाय प्रतीक, प्रतीक ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आप एक फीचर फिल्म बना रहे हो, और ज्यादातर अगर फीचर फिल्म आपने खुद ने लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने काल बनाई, लक बनाई, तो देखिए फॉर्मूला ये है लाइफ का कि आप 1 साल लो, 1.5 साल लो, चाहे आप 12 से 14 ड्राफ्ट लिखो, लेकिन एक दिन आपको उस स्क्रिप्ट को लॉक करना है कि मुझे ये फिल्म बनानी है, मुझे ये इस तरह की फिल्म, इसको फाइनल करना है। और उसके बाद एक जर्नी शुरू होती है जहां आपने प्रोड्यूसर को, आपके एक्टर्स को, आपके टेक्नीशियंस को, सबको वो स्क्रिप्ट दी है और वो फिल्म बताएगी कि हम ये बनाने जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट फॉर ऑन सेट जो थोड़ा बहुत एक्टिंग परफॉर्मेंस में एक्टर के साथ मिलकर इम्प्रोवाइजेशन करना या चीजें आपको करना, वहां तक आप चेंजेस करो, वो मतलब आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है और उसको आप अब चेंज करना शुरू करते हो, जैसे कि आपने बोला यार मुझे आज बहुत अच्छा कुछ एक सीन आया है, मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन वो बहुत गलत सिस्टम हो सकती है, क्योंकि वो एक सीन या एक चीज चेंज करने से वो एक रिपल इफेक्ट है पूरे स्क्रिप्ट में, उसके रेफरेंस में बहुत सारी चीजें शायद आपको चेंज करनी पड़े, और फिर जो सपना आपने देखा है या फिल्म आपने 1-1.5 साल तक सोच के मेहनत की है, वो पूरा का पूरा चेंज होना शुरू हो जाए, तो आप सोचिए कि पूरी बिल्डिंग की इमारत हिल जाए, और उसकी वजह से आपके हर डिपार्टमेंट और हर एक्टर और सबका एनर्जी जो है वो चेंज होगा। तो ये बहुत रिस्की फैक्टर है, तो चाहे आपके पास वो पावर हो तो भी आपको उतना ही चेंज करना चाहिए। आपको फोकस लूज नहीं करना है कि मैंने ये फिल्म सोची थी, मुझे वही फिल्म बनानी है, ना कि आप कैरिड अवे हो जाओ। देखिए सेट पे आपको कोई एक्टर
आइडिया दे दे यार, ऐसा कर दे, लेकिन आपको सोचना है कि क्या वो आइडिया एक्सेप्ट करने से आपकी पूरी फिल्म वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही रिस्की टेरिटरी है, आपको बहुत सोच समझ के चेंज करना है। पर आपके क्वेश्चन को ज्यादा वो देते हुए कि मान लीजिए वेब सीरीज या ऐसी कोई चीज आप जब बना रहे हो, वहां डायरेक्टर के पास पावर एज गुड एज नहीं है टू चेंज अ स्क्रिप्ट, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हाउस है, क्रिएटिव हेड्स है, प्रोड्यूसर है, जिन्होंने वो स्क्रिप्ट को राइटर्स के साथ एक पूरा मतलब एक फॉर्मूला से रेडी किया है, जहां पे डायरेक्टर इज मोर लाइक अ टेक्नीशियन हु हैज टू डिलीवर द स्क्रिप्ट, हु हैज टू जस्ट शूट द फिल्म वेरी वेल द वे इट हैज बीन शॉट थॉट ऑफ, एंड उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उस पर बहुत महीने और सालों की मेहनत है और यू आर कमिटेड टू गिव दैट। तो स्क्रिप्ट चेंज करना नहीं भी चाहिए, पावर होते हुए भी नहीं करना चाहिए, अगर आपको कन्विक्शन है कि आपने सही चीज सोची हुई है। नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक आई एग्री विद यू, बिकॉज़ समवेयर दैट होल चेंज मे ब्रिंग अब्रप्टनेस, शायद जो मेन मैसेज है वो लूज हो जाए ट्रांजिशन में। तो बिल्कुल, या यू आर राइट, इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइजिंग द पावर, इट्स यस अबाउट बीइंग ट्रू टू द ओरिजिनल थीम या फिर यस ओरिजिनल इंटेंट। बिल्कुल। यस मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ऑडियंस क्वेश्चन आज का, एंड दैट इज फ्रॉम पूजा। नमस्कार सोहम जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर फिल्म लो बजट की हो तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो नॉन निगोशिएबल होने चाहिए, जिससे कि फिल्म की क्वालिटी और अपील पे कॉम्प्रोमाइज कुछ ना हो। देखिए पूजा नमस्ते, बेसिकली 1 करोड़ या 80 लाख में भी एक फिल्म बनी थी सत्या, ठीक है, और 200-200 करोड़ की भी फिल्में बनती है जो फ्लॉप होती है। तो बजट एक्चुअली मायने नहीं रखता कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए, ऑब्वियसली, और आपका क्वेश्चन वो है भी नहीं। लेकिन एक चीज है सिनेमेटोग्राफी, जो इस तरह से आपने फिल्म को शूट किया है, कैमरामैन जो है वो लो बजट भी हो तो भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, और जितना अच्छा बजट हो कैमरामैन का काम उतना ही बेटर भी हो सकता है। तो मेरा एक ही मानना है कि एक तो क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, तो विजुअल मीडियम से आपका क्वालिटी आदमी बहुत इजीली जज कर लेता है। तो जो भी जॉनर हो, चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो, हॉरर हो, पहली बात तो बजट के हिसाब से उस सब्जेक्ट को आपको चुनना चाहिए, सब्जेक्ट को जो डिमांड करता है बजट, चाहे मान लो आपके उसमें लिखा है कि मर्सिडीज से आदमी उतरेगा, और बजट में आपके पास है कि भाई आप मारुति स्विफ्ट से आदमी उतरे, तो आपको पहले से ये चेंजेस को ट्वीक करना चाहिए ताकि आप अपने क्राफ्ट से झूठ नहीं बोल रहे, या तो आपके पास वो बजट हो, या तो आप उस लेवल का काम उसमें ना लिखो या सोचो, या आपके पास तरीके होने चाहिए कि मैं मर्सिडीज का इम्पैक्ट भी ले आऊं, लेकिन हो सकता है कि मुझे मर्सिडीज का पूरा भाड़ा ना देना पाए। तो ये चीजें ऐसी है कि वो हर प्री प्रोडक्शन और हर फिल्म के हिसाब से डिफरेंटली लागू करती है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइजेबल चीजें नहीं है वो मेनली विजुअली 2-3 चीजें है। आपका कैमरामैन का काम अच्छा होना जरूरी है, चाहे वो कैमरामैन पहली बार क्यों ना काम कर रहा हो, लेकिन डायरेक्टर और उसकी सिनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आर्ट डिपार्टमेंट। अगर आपकी फिल्म या प्ले लो बजट है तो आप एब्सोल्युटली रियलिस्टिक टाइप ऑफ लोकेशन में शूट करें, जिससे वो विजुअल ऑथेंटिक लगे, ना कि आप एक टैकी लो बजट ऑफिस का सेटअप लगाए जिसमें सारी चीज लो बजट हो और वो दिखना शुरू हो जाए कि यार इसका बजट तो बहुत लो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लो बजट काम करने जाते हो तो आप मटेरियल को भी उसी दायरे में फिट करो, ताकि पूरी फिल्म एक ही लोकेशन में 80% सेट है। वन लाइन में यह है कि आप अपने क्राफ्ट से बेईमानी मत करो, क्योंकि आप जो क्राफ्ट में बेईमानी करोगे ऑडियंस उसको पकड़ लेगी। तो आपको लो बजट और स्मार्ट थिंकिंग के हिसाब से प्लॉट बनाना है, और एंड ऑफ द डे कहानी में दम होना चाहिए। तो जब आप कहानी और स्क्रीन प्ले से ऑडियंस को पकड़ के रखोगे तो उसको बजट से कोई मायने नहीं रहेगा। सो दैट्स द वे आई थिंक यू नीड टू थिंक। चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट भी मैटर करेगी, अगर एब्सोल्युटली वो बजट है तो सच स्क्रिप्ट प्रोडक्शन एफर्ट्स कम हो। बिल्कुल, जैसे हमारे पास ऐसी काफी स्क्रिप्ट्स आती है कि मान लो कि मुझे समझ में आता है कि ये
बहुत अच्छा लिखा है और इसमें एम्बिशियसली लिखा है, तो ये बनाने के लिए मान लो कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन सामने वाला बोले यार बनाना यही है लेकिन मेरा बजट 20 लाख है, तो बेहतर है कि आप हाथ जोड़ लो कि मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि आपको पता है कि ये 20 लाख में नहीं हो पाएगा। और फिर क्या होगा, हर तरह के कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो कहानी भी खराब हो जाएगी, विजुअल भी खराब हो जाएगा, और आप ऑडियंस को भी चीट कर रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी की और दिया कुछ बहुत ही छोटा मटेरियल आपने, तो उससे बेटर आप ना करें। ठीक, आई थिंक दैट्स अ वेरी करेजियस थिंग टू एक्सप्रेस एंड बिलीव कि बेटर है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ए शॉडी जॉब लेट्स बी ऑनेस्ट विद द क्राफ्ट कि भाई यस ऑडियंस प्लेन कर रहे हैं, इफ यू आर चीटिंग विद द ऑडियंस देन व्हाट पॉइंट डज इट हैव। यस, क्योंकि बिल्कुल एंड ऑफ द डे वो चीज का बैकलैश आपको लेना ही पड़ेगा, लोग आपको गालियां देंगे, और ऑडियंस बहुत स्मार्ट है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन वैल्यूज। आजकल इतनी वेब सीरीज और सब देख रहे लोग, लोगों को सब पता है कि यार ये गुड लुकिंग प्रोडक्ट है, इस पे खर्चा किया है नहीं किया है, इस पे वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। आजकल लोग एक्सपीरियंस भी बहुत नोटिस कर रहे हैं, दैट्स ट्रू, दैट होल बिल्कुल एम्बिएंट एक्सपीरियंस। यस बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे सजेशन एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिस इट्स द पीवर्स ऑन द सरफेस, देयर इज सो मेनी मोर थिंग्स वी कैन डीप डाइव इनटू यस वन, आई थिंक इट विल डेफिनेटली एक्ट एज लाइट फॉर अस। आप टाइम दिया, अपना कीमती हमें गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड मजा आया। आई होप के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिले हो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।